नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्टर में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी प्रतिमा स्थल पर जुटे हैं और मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मौजूद हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बेहद सक्रिय हो चुकी कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज से लखनऊ में मौन प्रदर्शन के जरिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। प्रियंका गांधी के साथ साथ पार्टी के विधायक और सांसद भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर मौन व्रत पर हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अजय कुमार लल्लू मौजूद हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी यहाँ पर मौजूद हैं, पीएल पुनिया, प्रमोद तिवारी और ऐसे कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर प्रियंका गांधी के साथ मौन प्रदर्शन करते हुए और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ट्रेनी के इस्तीफे की मांग, बर्खास्तगी की मांग जो लगातार कांग्रेस कर रही है, उस मांग को लगातार आगे बढ़ाते हुए। और इसी पर हमारे संवाददाता निखिल शर्मा की रिपोर्ट देखिए। गांधी प्रतिमा पर पहुंच चुकी हैं और अपने तमाम समर्थकों के साथ प्रोटेस्ट पर बैठ गई हैं। दरअसल कांग्रेस ने आज ये प्रोटेस्ट का आह्वान किया था पूरे देश में कि जब तक बीजेपी के गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक कांग्रेस आंदोलन करती रहेगी। और उसी इस्तीफे की मांग और बर्खास्तगी की मांग को लेकर खुद प्रियंका गांधी 2 घंटे के मौन प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने ये तय किया था कि पूरे देश में ये प्रदर्शन होगा और आज तस्वीरें राजधानी लखनऊ की गांधी प्रतिमा की हम दिखा 2 घंटे तक ये मौन जो है वो प्रदर्शन होगा। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं, प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा के साथ तमाम वरिष्ठ लीडर यहाँ पर मौजूद हैं। खुद नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अजय कुमार लल्लू मौजूद हैं। 2 घंटे बाद कांग्रेस कैंडल मार्च निकालेगी। सुबह से कार्यकर्ता गांधी प्रतिमा पर पहुँचना शुरू हो गए थे और इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर प्रियंका कब पहुँचेंगी। हालाँकि प्रियंका थोड़ी देर से पहुँची हैं, लेकिन उनके पहुँचते ही एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह नज़र आ रहा है। लखनऊ से उड़ेल दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट प्रदेश। आगरा में अब तक वायरल फीवर और डेंगू के भर्ती मरीजों की संख्या 6000 से ज्यादा हो चुकी है। इनमें लगभग 284 मरीज डेंगू पॉजिटिव हैं। आगरा में अकेले पिनहट क्षेत्र में 30 दिन में 29 लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे में झोला छाप डॉक्टर्स पर भी नजर रखनी चाहिए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही इलाकों में फॉगिंग और छिड़काव भी हो, जबकि नगर निगम के मुताबिक छिड़काव का काम कराया जा रहा है। सभी जो स्वास्थ्य विभाग और अन्य जो संबंधित विभाग हैं जिम्मेदार, उन लोगों को चाहिए कि इस टाइम फॉगिंग कर दी जाए, क्योंकि ये कोविड तो अलग तरह की बीमारी थी, ये बीमारी सिर्फ मच्छर से फैल रही है। अगर मच्छर को हम लगाम कस दें, वो भी सिर्फ फॉगिंग के द्वारा, मिट्टी का तेल तालाबों में नालियों में डाल दें, तो हम 10 दिन में इस पर काबू पा लेंगे। आगरा में डेंगू की बढ़ती समस्याओं को लेकर नगर निगम की क्या तैयारी है, मेयर नवीन जैन के साथ मिलकर जाना संवाददाता विनीत दुबे ने, देखिए। नगर निगम के द्वारा नियमित रूप से फॉगिंग का काम करना, एंटी लार्वा का काम करना और केमिकल का छिड़काव करने का काम नियमित है। यहाँ तो मैं हालात बहुत ख़राब हैं मेयर साहब। जानकारी में आया कि देहात के अंदर भी काफ़ी स्थिति धीमे धीमे करके डेंगू की तरफ बढ़ रही है। उसे रोकथाम करने के लिए जिला प्रशासन के स्तर पर क्या काम हो रहे हैं, वहाँ के जो डॉक्टर्स की टीम है उनके द्वारा क्या काम हो रहे हैं, इसकी मैं पत्र लिखकर उनसे जानकारी भी चाहूँगा और जिलाधिकारी को भी मैं कहूँगा कि जिले के अंदर जितने भी डेंगू के मरीज निकल रहे हैं, जिन क्षेत्रों में निकल रहे हैं, एक अभियान वहां पर भी प्रारंभ किया जाए। किसी भी सूरत में डेंगू के कारण से कोई मरीज उसकी चपेट में ना है। तो यहाँ मेयर नवीन जैन का साफ कहना है कि उन्होंने प्रशासन को एक पत्र लिखेंगे और इस पत्र के द्वारा वो प्रशासन को अवगत कराएंगे, उनसे ये कहेंगे कि गांव देहातों में झोला छाप डॉक्टरों की तरफ उनका ध्यान दें, उन पर कार्रवाई करें, साथ ही साथ गाँव में जो डेंगू की संख्या लगातार बढ़ रही है उस पर काबू पाया जाए। मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। रोजमर्रा के इस्तेमाल की कीमतें हर दिन बढ़ रही है और आलू और प्याज के दाम महज एक हफ्ते में ही 1.5 से 2 गुना तक बढ़ गए हैं। गोरखपुर की महेवा मंडी में प्याज 40 रुपए किलो तक बिक रही है। थोक मंडी में आलू भी 15 से 20 रुपए किलो तक बिक रहा है। फुटकर मंडी में आलू और प्याज के दाम 10 से 15 किलो ज्यादा है। गोरखपुर से न्यूज़ स्टेट संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए।
त्योहारों का सीजन शुरू होने के साथ साथ एक बार फिर से आलू और प्याज के दाम बढ़ने लगे हैं। गोरखपुर में एक हफ्ते पहले जो रेट आलू और प्याज के थे, आज उससे डेढ़ गुने से दो गुने तक आलू और प्याज के रेट बढ़ गए हैं और ये बढ़ोतरी हर रोज हो रही है। ये लाल आलू इस समय बिक रहा है 15 रुपये किलो का, 14 से लगा के 15 रुपये किलो तक का बिका हुआ है बढ़िया आलू। और एल्टी आलू बिका हुआ आपका 17 रुपये से लगा के 19 रुपये किलो तक का। प्याज के रेट की अगर हम बात करें तो एक हफ्ते या 10 दिन में कितना अंतर आया? एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर लमसम 10 रुपये का उछाल आया हुआ है। नवरात्र ख़त्म हो जाने के बाद प्याज की बिक्री तेज हो जाएगी, इससे उम्मीद लगती नवरात्र बाद फिर कुछ और बढ़ सकती है। ये प्याज 50 से लेकर 60 रुपये किलो तक बिकेगी, क्योंकि फसल खराब होने की वजह से जो है ये महंगाई हो रही है। व्यापारियों का मानना है कि ये नवरात्रि के खत्म होने के बाद से जो रेट है वो और ऊपर जाएगा और आने वाले अभी 1 से 1.5 महीने तक आलू और प्याज के जो दाम है वो इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। और इससे फिलहाल अभी लोगों को कोई भी निजात मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जहां से आलू और प्याज की आवक होती है वहीं पर इस समय संकट खड़ा हो गया है। प्रदीप श्रीवास्तव, न्यूज़ 8 गोरखपुर।